हेलो एंड वेलकम टू आर न्यू क्लास ऑफ झारखंड हिस्ट्री। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द डिफरेंट एजेस, द डिफरेंट स्टोन एजेस एंड द आयरन एंड कॉपर एजेस। झारखंड के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना, कहाँ कहाँ हमें क्या क्या मिला है। एंड अब हम आगे पढ़ेंगे अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ ट्राइब्स एंड अबाउट द बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। वी लर्न ऑल्सो लर्न अबाउट द मुंडा किंगडम and then other dynasties which were there present until the 12th century of AD, यानी कि उसके बाद फिर medieval era start हो जाता है। झारखंड history बहुत important है क्योंकि किसी भी state exam को अगर आप देते हैं तो झारखंड का बहुत ही important part है, चाहे वो JSSC हो या JPSC हो। मेरा यही motive रहेगा कि आपको किताब ना खोलना पड़े, मैं सब कुछ cover करने की कोशिश करूँगा। In fact, I will cover everything which is in the syllabus. And enough notes will be there. अगर आप point by point note भी करते जाएंगे तो I can assure you कि आपको किताब नहीं खोलना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं about ancient history of tribes. अगर हम ancient times की बात करें तो झारखंड always, in fact छोटा नागपुर area अगर हम कहें तो was always covered with dense forests and it was surrounded by hills like Kaimur and Vindhya. Vindhya हिमाचल तो हम नाम सुनते ही हमारे national सॉन्ग में भी है। सो कैमूर एक पहाड़ी है और एक विंध्य हिमालय जो है, जो कि सराउंड करते थे झारखंड के रीजन को। एंड ऑफ कोर्स यहाँ का पठारी इलाका, यहाँ का जो फॉरेस्ट्स थे वो बहुत ही अच्छा एडवांटेज देते थे। अगर हम बात करें तो डायनेस्टीज़ की, तो गुप्ता डायनेस्टी और जो शशांक का जो रूल था उनके अलावा ब्रिटिश टाइम के आने तक मोस्टली लोकल लीडर्स ने ही झारखंड एरिया या कि छोटा नागपुर एरिया को हैंडल किया, संभाला। मिडिवल टाइम्स में थोड़ा बहुत मुगल्स का इंटरफेरेंस था बट मोस्टली लोकल लीडर्स ने ही कंट्रोल रखा। अगर हम बात करें ट्राइबल्स की तो जो सबसे पुराने प्रिमिटिव ट्राइब्स थे यहाँ पे वो थे खरिया, उसके बाद बिरहोरा या फिर बिरहोर भी बोल सकते हैं आप इसको, और असुर। असुर बहुत पॉपुलर है क्योंकि असुर को अनार्य भी कहते थे। आर्यंस जब आए थे इस तरफ, जो जैसा कि कहा जाता है, जो थ्योरीज हैं, और इनको सबसे पुराने ट्राइब्स में गिना जाता है। उसके अलावा कोरवा, मुंडा, उरांव और हो उसके बाद आए थे। खड़िया, बिरहोर और असुर को आप कह सकते हैं कि ये यहाँ के लोकल ही ट्राइब थे, वो कहीं से ट्रैवल करके नहीं आए थे, दे डिड नॉट माइग्रेट फ्रॉम एनी अदर प्लेस। However, कोरवा, मुंडा, उरांव एंड हो, देर आर थ्योरीज अबाउट देयर माइग्रेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम मुंडास की बात करें तो मुंडास केम फ्रॉम टिबेट, दैट इज़ वॉट दे प्रोक्लेम। एंड अगर हम देखें तो टिबेट से वो पहले सीधा छोटा नागपुर की तरफ नहीं आए थे, दे वेंट टू द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड देन दे माइग्रेटेड टू छोटा नागपुर, जिसके बाद सीक्वेंस में अगर हम देखें तो उसके बाद फिर आपके उरांव आए, जिसको कहते हैं कि उरांव ओरिजिनली इनहैबिटेंट साउथ के ही थे क्योंकि उनकी जो भाषा है कुरुक वो काफ़ी सिमिलर है, काफ़ी सिमिलैरिटीज पाई गई हैं जो साउथ की लैंग्वेजेस हैं कन्नड़ और तमिल, तो जिसमें काफ़ी कुछ मैच किया गया है। तो ये राइटफुली कई हिस्टोरियंस ने इसको अग्री किया है कि उरांव की जो ओरिजिन थी वो साउथर्न इंडिया से मिलती जुलती है। जब उरांव इस तरफ आए तो वो गुटों में आए थे जिसमें दो मेन ब्रांचेस स्प्लिट हो गए थे। एक ब्रांच ऑफ उरांव जो है वो आपका जो गंगा वाली साइड है झारखंड की, जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड है राजमहल हिल्स की तरफ, वहाँ जा कर के बस गए। एंड द अदर वन, जो अदर ब्रांच थी, जो वो सोन नदी को पार करके जो नॉर्थ कोयल रिवर है जो कि नॉर्दर्न झारखंड या फिर वो जो गढ़वा का जो इलाका है नॉर्थ वेस्टर्न साइड, उस तरफ इनका उस तरफ वो गए। ये जो पीरियड था ये बहुत सारे डायनेस्टीज को भी विटनेस किया, जैसे कि नागवंशी और उसके बाद जो रक्षेल थे पलामू के, और ऑफ कोर्स सिंहदेव जो सिंहभूम के थे वो भी एस्टैब्लिश हुए। ये लोग नॉन ट्राइबल्स थे और बट इनका वर्चस्व बहुत था, दे रूल्ड झारखंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, स्पेशली द नागवंशी डायनेस्टी। इट इज सेड दैट इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डायनेस्टीज एंड द लॉन्गेस्ट लिविंग डायनेस्टीज इन द एंटायर वर्ल्ड, बिकॉज ये फर्स्ट सेंचुरी AD से लेकर के
ब्रिटिश तक, यहाँ तक कि भारत की आज़ादी तक ये वंश जो है, ये जो डायनेस्टी है, ये एग्जिस्ट किया, और इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। रक्सेल बहुत ही प्रोमिनेंट थे, कहा जाता है कि वो रोहतास गढ़ की तरफ से आए थे, जो कि राजपूताना एरिया राजस्थान की तरफ से उनका आगमन हुआ था। रक्सेलों को बाद में चेरोज ने हटाया, चेरो नाम की एक अलग डायनेस्टी थी जिन्होंने इनको आउट थ्रो करके फिर उन्होंने बलामू के लोकेशन में राज किया। तो कह सकते हैं कि अप टू रक्सेल, नागवंशी रक्सेल और जो सिंहदेव हैं, प्लस जो ट्राइबल्स जिनकी हम बात किए लास्ट स्लाइड में, ये लोग सब 1000 BC के पहले तक आ चुके थे। बट उसके बाद जो चेरोज हैं, खरवार हैं, भूमिज है और संथाल हैं, संथाल आप जानते होंगे, संथाल परगना की तरफ जो संथाली रहते हैं, इनका आगमन जो है, इनका अराइवल, माइग्रेशन जो है झारखंड की तरफ, वो 1000 BC के बाद ही हुआ। अदरवाइज ऑल अदर ट्राइब्स हैड सेटल्ड बिफोर देम। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि बुद्धिज्म वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट रिलीजन एट दैट टाइम, बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ डॉगमास एंड बहुत सारे प्रैक्टिसेस थे जो हिंदू धर्म के, जिसकी जो बहुत ही कठिन थे, बहुत डिफिकल्ट थे, जो वर्ग जो था, जो वर्ण सिस्टम था, उनकी वजह से काफ़ी अनस्टेबिलिटी थी रिलीजन में, एंड दे वांटेड समथिंग न्यू, एंड दैट इज़ व्हेन बुद्धिज़्म स्प्रेड रियली फास्ट, और जिसकी शुरुआत नेपाल बिहार की तरफ से ही हुई थी। तो ऑब्वियसली ज्योग्राफिकली काफ़ी कनेक्टेड रहा है, तो बुद्धिज़्म का काफ़ी प्रमाण और काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा झारखंड में। ऑब्वियसली गुप्ता डायनेस्टी बहुत ज़्यादा मानती थी बुद्धिज़्म को, तो उन्होंने काफ़ी पीक पर ले आए थे वो बुद्धिज़्म को, काफ़ी स्प्रेड किया था इस रिलीजन को। बट जब बाद में शशांक नाम के एक राजा आए, जो कि एक शैव एम्परर थे, वो शिव धर्म को मानते थे, बहुत ही कट्टर थे, तो शशांक ने सारे बुद्धिस्ट टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। काफ़ी दुखदायी बात है, बट जो बोधि ट्री है, जो फेमस बोधि ट्री जो गया में थी, जिसके अंदर इनकारनेशन मिला था लॉर्ड बुद्धा को, वो भी उन्होंने कटवा दिया था, तुड़वा दिया था, और उन्होंने उनकी जगह हिंदू टेम्पल्स बना दिए थे, जिसको बाद में शायद रिस्टोर किया गया। हावेवर जो वज्रायन सेक्ट था बुद्धिज़्म का, वज्रायन, ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म सर्वाइव्ड द अट्रोसिटीज एंड डिमोलिशन ऑफ द बुद्धिज़्म कल्चर बाय शशांक। इट वॉज द वज्रायन सेक्ट। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो जो सोर्सेस पाई गई हैं बुद्धिज़्म की, तो सूरज कुंड नाम की एक जगह है जो हजारीबाग में है, वहाँ पे बुद्ध देव की एक स्टैचू पाई गई। और भी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हुई थी, जैसे कि बुद्ध स्मारक एक मिला है आपके दियापुर दालमी के इलाके में, जो धनबाद में है, और एक स्टैचू ऑफ तारा जिसको बुद्ध देवी भी कहते हैं, वो ईचागढ़ नाम के एक जगह में, जो कि सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो वहाँ पे इसके बारे में जानकारी मिली। बुद्धिज़्म जो है वो काफ़ी टाइम तक सरवाइव करी, और इनफैक्ट आज भी बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं, काफ़ी स्तूप बनाए जा रहे हैं। आपको शायद एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी है कि आपके इटखोरी में एक बहुत बड़ा स्तूप बनाया जा रहा है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट स्तूपा बनेगा। खैर एनीवेज, अगर हम आगे बढ़ते हैं, जैनिज्म के बारे में जानते हैं। जैनिज्म ऑफ कोर्स बहुत ही प्रोमिनेंस रखा है ये झारखंड रीजन में। जो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे, यानी कि 23rd जो एग्जिस्टेंस, अगर हम एग्जिस्टेंस की बात करें, क्योंकि इससे पहले जितने भी 1 to 22 तीर्थंकर जो थे जैन धर्म के, उनको सिर्फ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स ही माना गया है। हावेवर 23rd एंड 24th वर द एंशियंट एंड हिस्टोरिक कैरेक्टर्स, यानी कि उनके प्रमाण थे कि वो एग्जिस्ट किए हैं। एंड 23rd तीर्थंकर जिनका नाम था पारसनाथ, और जो 24th थे वो खुद महावीर जैन थे, जिनके बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा। तो 23rd तीर्थंकर जो थे वो, उनको जो सेल्वेशन मिली थी, जो उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, दैट हैपेंड इन द हिल्स ऑफ समेत शिखर। इसको समेत शिखर कहते हैं, इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ की पहाड़ी भी है, जो कि गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है। इट इज़ ऑल्सो द हाइएस्ट पीक इन झारखंड। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पारसनाथ है, जो झारखंड का सबसे ऊंचा हिल है,
उसकी हाइट है 1365 meters, ये पाया गया है झारखंड में, और यहीं पे इसका नाम ही पारसनाथ पड़ा क्योंकि पारसनाथ नाम के एक तीर्थंकर थे जैन धर्म के जिनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, हु फाउंड हिज सेल्वेशन ऑन दिस हिल्स. सेवरल रिमेन्स हैव बीन फाउंड इन द रिवर्स ऑफ दामोदर एंड कसाई. कसाई दामोदर का ही एक ट्रिब्यूटरी है. और उसके बाद एक कल्चर सेंटर पाया गया जो मानभूम नाम की जगह है जो छोटा नागपुर में, जो कि धनबाद वाले इलाके में पड़ता है, तो वहाँ भी एक कल्चर सेंटर पाया गया है. इसके अलावा बेनू सागर नाम की एक जगह है जो सिंहभूम में है, वहाँ पे जैनिज्म की स्टैचूज पाई गई हैं. तो काफ़ी कुछ है जो कि मिला है और ये प्रमाण करता है कि जैनिज्म और बुद्धिज्म का काफ़ी एग्जिस्टेंस था झारखंड में. तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप याद रखें कि पारसनाथ हिल जो हो गया, उसके अलावा जो दामोदर एंड कसाई में जो पाया गया है सेवरल रिमेन्स, एंड ऑफकोर्स मानभूम में इस कल्चर सेंटर पाया गया, एंड देर आर एविडेंस ऑफ इंस्क्रिप्शन एट दामोदर एरिया. जो दामोदर की वैलीज हैं वहाँ पे काफ़ी इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं केव्स में, माउंटेन्स और हिल्स में, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है. एंड बेनू सागर में जो सिंहभूम में है वहाँ पे जैनिज्म की स्टैचू पाई गई है बाय आर्कियोलॉजिस्ट्स. अब आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं कि मुंडा किंगडम का आगमन कैसे हुआ. रीता मुंडा नाम के एक जो वहाँ के जो सबसे पहले ट्राइबल लीडर थे, उन्होंने मुंडा की जो किंगडम है उसकी स्थापना की थी. ही एस्टैब्लिश्ड इट बट ही वॉज द किंग मेकर. उन्होंने खुद राज नहीं किया, उन्होंने सुतिया पाहन नाम के एक व्यक्ति थे जिनको उन्होंने, क्योंकि पाहन प्रीस्ट को भी कहा जाता है मुंडा प्रजाति में, तो ऑब्वियसली उनका एक रिलीजियस फिगर रहे होंगे, तो उनको एज अ किंग उन्होंने अपॉइंट किया था, जिसमें इनके अपॉइंट करने के बाद स्टेट का ही नाम बदल करके सुतिया नागखंड रखा गया. ये आप याद रखें, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी कि जो मुंडा किंगडम थे उन्होंने क्या नाम दिया था इस इलाके को, तो इसको उन्होंने सुतिया नागखंड कहा था. तो आप याद रखें सुतिया पाहन, पाहन मतलब प्रीस्ट इन मुंडा प्रजाति, और सुतिया नागखंड था नाम पूरे प्रदेश का. स्टेट को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. लोहरदगा, हजारीबाग, उस वक्त लोहारगढ़ कहा जाता था इसको, उसके बाद पालमगढ़ जिसको पलामू बाद में कहा गया है, मानगढ़ जो मानभूम कहा गया बाद में, सिंहगढ़ जो कि सिंहभूम है, केसलगढ़ और सुरमुख. सुरमुखगढ़ यानी कि सुरगुजा नाम की एक जगह है जो आपने सुना होगा झारखंड में है. ये 7 जो गढ़ थे, ये जो 7 प्रांत थे, इसको फर्दर 21 और पार्ट्स में यानी कि परगनाज में डिवाइड किया गया. इसको एक बार आप देख लें, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप रख सकते हैं. एक बार मैं पढ़ देता हूँ. ओम डंडा, खुखरा, जशपुर, पोरहात, बिरुआ, कोरिया, बिरना, बेखदार, तमाड़, खरसिंग, चंगमंकर, दौसा, सुरगुदा, गंगपुर, गिरगा, बोनाई, लाचरा, सोनपुर, बेलसिंग, लोहारडी और वदाईपुर. तो ये 21 नाम हैं जिनको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा. हो सकता है कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आए, अदरवाइज इतना डीप क्वेश्चन यूजुअली नहीं आता, बट स्टिल आप एक बार उसको ध्यान में रखें. अब हम बात करते हैं नाग डायनेस्टी की. इसको नागवंशी डायनेस्टी भी कहते हैं. ये बहुत ही प्रोमिनेंट डायनेस्टी रही है झारखंड स्टेट के लिए. इनफैक्ट आज भी इनके फैमिली के लोग, आज जो इनका आखिरी कैपिटल था रातूगढ़ का, जो इनका किला है, जो इनका पैलेस है, आज भी इनकी फैमिली रहती है. तो नागवंशी डायनेस्टी को फाउंड किया था फानी मुकुट राय नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि इनके पहले राजा थे. और इस वक्त जो पूरा छोटा नागपुर का जो पॉपुलेशन था, जो इलाका था, उसको कम्प्लीटली फानी मुकुट राय डोमिनेट करते थे. यानी कि उस वक्त ब्राह्मण, राजपूत और भी हिंदू कास्ट्स का काफ़ी इंक्रीज हो गया था. और उस वक्त फानी मुकुट राय 84 AD इज़ द टाइम विच हैज़ बीन एक्चुअली कन्फर्म्ड कि इसी वक्त फानी मुकुट राय राज्य में आए थे, मतलब उन्होंने यहाँ की राजपाट संभाली थी. इन्होंने मेजरली रामगढ़, गोला, बरवा, पलानी, टाइमर या फिर ये तमाड़ है शायद, और इसके अलावा और भी एरियाज थे जिनको उन्होंने कंट्रोल किया.
करीब करीब 66 परगनास थे जिस पे इनका राज था। आपने देखा होगा तमाड़ में एक सन टेम्पल भी है, बहुत फेमस है, वो भी नागवंशी डायनेस्टीज ने ही बिल्ड करवाया था। इसके अलावा ईस्ट में पांचेत तक और आपका जो साउथ है वो क्योंझार तक इनका राज था। इनफैक्ट नागवंशी रूलर ने पांचेत के राजा से हेल्प ली थी और उन्होंने क्योंझार के राजा को हरा करके उनका एरिया उन्होंने लिया था। तो बेसिकली पांचेत इनके अलाइज थे, इनसे सबमिटेड थे। जो चौथे राजा थे प्रताप राय, ये इंपॉर्टेंट है आप इसको याद रखें, जो फोर्थ किंग थे प्रताप राय, उन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया था। पहले ऑब्वियसली जो पहला कैपिटल था वो सुतियांबे नाम की एक जगह थी, वहाँ से फिर उन्होंने उसको शिफ्ट करके चूटिया नाम की एक जगह जो आज भी है, चूटिया रांची डिस्ट्रिक्ट, रांची सिटी में ही आता है, वहाँ पे उन्होंने शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद भीमकरण नाम के एक राजा थे जिन्होंने सुरगुजा नाम के एक किंगडम के साथ फाइट किया था, वॉर लड़ा था, और उसके बाद उन्होंने कैपिटल को शिफ्ट करके खुखरा की तरफ उसको ले आए थे। मेजरली वो ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि वो उस वक्त मुस्लिम एंड टर्किश इन्वेजन शुरू हो गए थे बंगाल की तरफ, तो उनको पता था कि कहीं ना कहीं उनकी नज़र भी इस तरफ बढ़ सकती है, तो इस वजह से उन्होंने कैपिटल को थोड़ा और डीप में शिफ्ट कर दिया था। अगर हम बात करें जो कैपिटल्स थे नागवंशीज के, ये आपको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि जो कैपिटल्स हैं वो काफ़ी शिफ्ट हुए, 7 बार शिफ्ट हुए। इनफैक्ट जो पहला कैपिटल था वो सुतियांबे है जिसको फानी मुकुट राय ने एस्टैब्लिश किया था। उसके बाद चुटिया जो प्रताप राय जिन्होंने जो चौथे राजा थे उन्होंने शिफ्ट किया था। फिर भीमकरण ने खुखरा, चुटिया से खुखरा की तरफ उसको शिफ्ट किए। उसके बाद बड़े ही प्रतापी राजा थे दुर्जन साल, जो काफ़ी हिस्ट्री है इनकी जहांगीर से, इनकी 36 का आंकड़ा था इनका, तो इन्होंने डोयसा शिफ्ट किया था कैपिटल को। दुर्जन साल ने काफ़ी कुछ बिल्ड भी किया था, नवरत्नगढ़ का किला भी इन्होंने ही बनाया था। और इसके बाद यदुनाथ शाह ने पालकोट में इसको फिर बाद में शिफ्ट किया, और उसके बाद जगन्नाथ शाहदेव ने पालकोट भावरा नाम की एक जगह है उसके पास ही है, वहाँ पे उसको शिफ्ट किया। और फाइनली प्रताप उदयनाथ शाहदेव नाम के एक राजा थे जिन्होंने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया रातूगढ़ में, यानी कि रातू नाम की एक जगह है जो रांची के बिल्कुल पास में ही है, रांची में ही आता है, वहाँ पे इन्होंने इसको शिफ्ट किया। जैसा आप देख सकते हैं कि ये है रातू का जो किला है, रातू का जो पैलेस है वो ऐसा दिखता है, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी बड़ा भव्य कैपिटल है, अभी आप चाहें तो विजिट भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। इसके बाद हम बात करेंगे सिंह डायनेस्टी की, जो सिंहगढ़ जो पहले जिसको कहा जाता था, ये काफ़ी प्रोमिनेंट रहे सिंहभूम इलाके के लिए, और सिंहभूम का नाम भी इनकी वजह से पड़ा। काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि हो नाम की एक ट्राइब है जिनके भगवान को सिंह बोंगा कहा जाता है, तो हो ट्राइब ये कहते हैं कि सिंहभूम का नाम उनके भगवान सिंह बोंगा के नाम पर पड़ा गया था, बट सिंह एक्चुअल जो हिस्टोरियंस का मानना है कि सिंह डायनेस्टी की वजह से, चूंकि वो उस इलाके में राज करते थे, इसी वजह से उसको सिंहभूम का नाम दिया गया था। ये लोग वेस्टर्न इंडिया से आए थे, और वेस्टर्न इंडिया यानी कि कहते हैं कि ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलाके से इनका मूवमेंट हुआ था, और करीब 8th सेंचुरी में ये इस तरफ शिफ्ट किए थे। इनका बेसिकली इनके दो किंग्स थे, जो एक था, एक का नाम था काशीनाथ सिंह जो एक ब्रांच था, और दूसरे जो थे वो उनका नाम था दर्प नारायण सिंह जो 1205 एडी में वो आए थे। तो जो पहला ब्रांच था उसको फाउंडर काशीनाथ सिंह ही थे, और जो दूसरा ब्रांच बना सिंह डायनेस्टी का वो दर्प नारायण सिंह ने इसको बनाया, एक ही साथ नहीं हुआ था, पहले काशीनाथ सिंह, बाद में इसका एक ब्रांच टूट करके एक अलग इलाके को राज किया जिसको दर्प नारायण सिंह ने रूल किया और काफ़ी टाइम रूल किया। उसके बाद काशीराम सिंह नाम के एक राजा थे जो उनको बाद में उनको सक्सीड किया, सॉरी युधिष्ठिर पहले आए थे, जो युधिष्ठिर नाम के राजा थे दर्प नारायण सिंह के बाद, जो 1262 से लेकर 1271 तक राज किया, और उसके बाद काशीराम सिंह आए थे। जो सिंह डायनेस्टी थी उनका काफ़ी अच्छा रिलेशन था नागवंशियों के साथ, और जब भी कोई फॉरेन अटैक होता था तो
तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनको डिफेंड करने के लिए नागवंशी आगे आते थे. सो नागवंशीज वर द वंस हु डिफेंडेड दिस एरिया फ्रॉम एनी फॉरेन अटैक. सो इट वॉज ऑलवेज अ कम्बाइंड फोर्स विच प्रोटेक्टेड दैट एरिया. तो ये अच्छी बात है, काफ़ी मिलत थी इनके बीच, जिसकी वजह से कोई फॉरेन इन्वेजन जल्दी नहीं होता था. इसके बाद हम बात करते हैं रक्सेल और चेरोज की. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पलामू रीजन का काफ़ी हिस्टोरिकल रेलेवेंस रहा है झारखंड के एरिया में और इसकी ग्रोथ में भी. तो ये बेसिकली राजपूत थे, जो कहते हैं कि ये राजस्थान के तरफ से आए थे. और उसके उस वक्त उसी वक्त खारवार नाम की जो एक ट्राइब थी वो भी काफ़ी प्रोमिनेंट थी, और उसको प्रताप धावल नाम के एक राजा रूल करते थे. गोंद, कोरवा और पहाड़िया ये भी प्रजातियां थी जो काफ़ी प्रोमिनेंट थी उस वक्त. और बाद में 1500 AD में चेरो नाम की एक डायनेस्टी ने रक्सेल को उखाड़ फेंका. तो रक्सेल इम्पॉर्टेंट थे वहाँ के किंगडम, बट उनको नहीं रहने दिया गया. चेरो नाम की एक डायनेस्टी थी जिन्होंने कम्प्लीटली उनको इरेडिकेट कर दिया. 1538 AD में खवास खान नाम का एक जनरल था जो आ करके चेरों पर उसने अटैक किया और उनको हराया. और उसके बाद 1589 AD में अकबर की आर्मी आई थी जिन्होंने बेसिकली चेरेस को इन्वेड किया. चेरू डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था भगवत राय ने और उसको फिर कंटिन्यू किया उन्होंने. चेरू डायनेस्टी करीब करीब उनके रिवोल्ट जो था, बुकन सिंह ने जो रिवोल्ट किया था 1800 में वो पलामू में, तब तक चेरो की प्रोमिनेंस थी वहाँ पे जब तक कि ब्रिटिश नहीं आ गए वहाँ पे. इसके अलावा और भी डायनेस्टीज थे यहाँ पे, जैसे कि मान डायनेस्टी थी. मान डायनेस्टी मानभूम का जो इलाका है, जो धनबाद और धनबाद के आसपास के कुछ बंगाल में भी कुछ एरियाज थे जिसको मिला करके मानभूम कहा जाता है. तो मान डायनेस्टी यूजुअली हजारीबाग और मानभूम का इलाके में उन्होंने राज किया. इनको रेफर किया जाता है क्योंकि एक स्टोन इंक्रिप्शन पाया गया है दूध पानी नाम की एक जगह में जो कि हजारीबाग में है, वहाँ पे इस डायनेस्टी के बारे में मेंशन किया हुआ है. तो इस वजह से मान डायनेस्टी के बारे में काफ़ी नॉलेज हमें मिलता है. इसके अलावा रामगढ़ नाम का एक स्टेट बनाया गया जो कि बेसिकली नाग डायनेस्टीज के अंडर ही था. नाग डायनेस्टी के कोर्ट में ही काम करते थे, उनके बड़े सीनियर ऑफिसर्स थे या फिर कोर्टियर्स थे बागदेव सिंह और सिंहदेव, ये दोनों भाई थे. और इन दोनों ने मिल करके 1368 AD में इन्होंने रामगढ़ स्टेट की स्थापना की थी. वहाँ पे एक जगह था जिसका नाम था कर्णपुर. तो इन्होंने बेसिकली नाग रूलर्स की जो सर्विस थी उसको छोड़ करके इन लोगों ने कर्णपुरा पर राज किया. वहाँ का एक कोई लोकल लीडर था जिसको इन्होंने हरा करके 21 परगनास थे उनके अंडर जिस पर इन्होंने कब्जा कर लिया. दे मेड शिष्या एज देयर फर्स्ट कैपिटल. शिष्या नाम की एक जगह थी जो बाद में इन्होंने शिफ्ट करके उर्दा में इन्होंने शिफ्ट किया और बाद में बादाम नाम की एक जगह में शिफ्ट किया. और फाइनली रामगढ़ जो एक छोटा सा शहर है रांची से करीब 45 किलोमीटर्स की दूरी पे है, तो इनका लास्ट कैपिटल जो था वो वहीं पे शिफ्ट हुआ 1670 में. 1772 में तेज सिंह नाम के एक सिंह डायनेस्टी के जो राजा थे, जो बाद में उन्होंने रामगढ़ के स्टेट को टेक ओवर कर लिया, उन्होंने रामगढ़ से कैपिटल को शिफ्ट करके इचाक में उसको वो ले गए, जो कि रामगढ़ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इचाक हजारीबाग में ही आता है. और फाइनली 1880 में ब्रह्मदेव नारायण सिंह नाम के एक राजा थे जिन्होंने इचाक से इसको शिफ्ट करके पद्मा में नाम की एक छोटी सी जगह में इसको शिफ्ट कर दिया, जिसके बाद 1937 में उसके बाद कामाख्या नारायण सिंह नाम के एक राजा थे जो इस पर इन्होंने राज किया. पद्मा में जो पैलेस था वो आज भी एग्जिस्ट करता है, करीब 22 किलोमीटर है ये हजारीबाग से. और 1937 में जो रामगढ़ की जो गद्दी थी राजगद्दी, उस पे कामाख्या नारायण सिंह बैठे. ऑब्वियसली ब्रिटिश के अंडर थे, उनका एब्सोल्यूट कंट्रोल तो नहीं था, बट स्टिल ही वॉज कंसिडर्ड द रूलर ऑफ दैट रीजन.
जैसा कि आप देख सकते हैं पद्मा का जो फोर्ट है वो आज भी ऐसा दिखता है, काफी जबरदस्त है और अच्छा है। मतलब उनकी राज जो फोर्ट्स हैं वो आज भी एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ढाल नाम की एक डायनेस्टी थी जो पांचेत के जो राजा थे, तो बेसिकली दालभूम रीजन था जो सिंगमूम में ही पड़ता था। इट वॉज रूल्ड बाय द ढाल किंग्स। द किंग्स ऑफ ढाल डायनेस्टी वर प्रोबेबली वॉशरमैन बाय कास्ट। ऐसा माना जाता है कि वो वॉशरमैन थे। इनफैक्ट स्टोरी ऐसी है कि पांचेत स्टेट जो था वो मानभूम रीजन का सबसे पावरफुल इलाका माना जाता था। एंड अकॉर्डिंग टू सोर्सेस इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द सन ऑफ द किंग एंड द क्वीन ऑफ काशीपुर, जो कि पिलग्रिमेज में गए थे वहां पे, और वहां पे उन्होंने बच्चे को जन्म दिया था, उनकी जो रानी थी, और फिर उसको वहीं उन्होंने छोड़ दिया। वो बाद में वॉशरमैन बन गया, मांझी बन गया, और बाद में वो परगना चौरासी नाम की एक जगह पे उन्होंने राज किया, और उसके बाद फिर वो पांचेत के राजा बने। कहा जाता है कि एक कपिला गाय की जो पूंछ होती है वो उनका स्टेट एम्बलम था, और इसी वजह से जो उनका मांझी काम था उसी वजह से फिर उनको कहा जाता है कि वो वॉशरमैन थे। इसके अलावा खड़गडीहा नाम की एक स्टेट थी जो कि रामगढ़ के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में पड़ता है। ये 15th सेंचुरी में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। हंसराज नाम के एक व्यक्ति थे, एक राजा थे जो जिन्होंने इसको शुरुआत किया इसका। इन्होंने बंदवात कास्ट नाम के एक स्टेट था, बंदवात कास्ट के, उसको उन्होंने हरा करके, करीब 90 किलोमीटर लंबा एक इलाका है जिसको उन्होंने अपना राज्य डिक्लेयर कर दिया। तो अगर हम बात करें एंशियंट टाइम की तो यहीं तक एंशियंट हम आज डिस्कस करेंगे। मिडिवल जो है उसके बाद हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो क्विकली एक बार हम दोबारा देख लेते हैं कि कौन कौन सी डायनेस्टीज़ थी जिनको हमें एक बार ध्यान रखना। अगर हम ट्राइबल्स की बात करें तो सबसे पहले आपके मुंडाज थे, ऑफकोर्स जो प्रिमिटिव ट्राइब्स थे वो खड़िया, बिरहोर और असुर थे। उसके बाद मुंडा, उराव और हो आए, जिसमें कि मुंडा कहते हैं कि टिबेट से आए, उराव साउथ इंडिया से आए। इसके अलावा नागवंशी, रक्सेल और सिंहदेव नाम के बड़े डायनेस्टीज थे जो नॉन ट्राइबल्स थे, जिसमें कि रक्सेलों को और चेरोज ने हटाया। बुद्धिज्म और जैनिज्म का भी प्रभाव रहा यहाँ पर, बुद्धिस्ट के काफ़ी चीज़ें पाई गई हैं और ऑफकोर्स जैनिज्म की भी काफ़ी चीज़ें मिली हैं यहाँ पे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो मुंडा किंगडम जो कि फर्स्ट ट्राइबल किंगडम था, जो पहले राजा थे झारखंड रीजन के, जिसके पहले राजा थे सुतिया पाहन, और उन्होंने इस जगह का नाम दिया था सुतिया नागखंड। ये 7 पार्ट्स में डिवाइडेड थे और ऑफ कोर्स उसके 21 परगना थे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने परगना थे, आप याद रखें 21 परगना थे। नाम आपको सब रटने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बार नज़र ज़रूर रख लें। इसके अलावा नागवंशी डायनेस्टी जिसके फाउंडर थे फानी मुकुट राय, और जिसका कैपिटल शुरू में रखा गया था सुतियांबे में, और जो बाद में चुटिया, और उसके बाद फिर खुकरा, दौसा, पालकोट, पालकोट भावरा और रातुगढ़, जो फाइनली जिसमें उनका आज भी पैलेस दिखा जाता है। इसके अलावा सिंह डायनेस्टी, रक्सेल एंड चेरोस, और इसके अलावा मान डायनेस्टी, फिर रामगढ़ जो स्टेट था वो, जो सिंह लोग ही थे वो भी, और उसके अलावा ढाल, पांचेत और खड़ागडीहा स्टेट। तो इतना हमें याद रखना होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मिडिवल हिस्ट्री के बारे में जो कि हमारे अगले क्लास में होगा। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।